हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद समीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कूल समीर। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मैंने बाय किया न्यू फ़ोन। पहले मैं यूज़ करता था नोट 2, इतना ख़ास नहीं था, कैमरा क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं थी, बट यूजिंग के लिए ठीक था। उसके बाद मैंने सर्च किया कि कौन से मोबाइल में अच्छा कैमरा है जिससे मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँ, जिससे मैं शूट कर पाऊँ। तो मैंने सर्च किया दो साल पहले मुझे मिला सैमसंग गैलेक्सी S6। दो साल पहले मैंने इसको खरीदा था कुछ 50,000 में। 1 ईयर वारंटी मैंने बढ़ा के लिया था क्योंकि मुझे पता था इसके साथ में मुझे बहुत बहुत लंबा जाना है इस मोबाइल के साथ। और हाल फिलहाल में उसकी भी डेथ हो गई। फिर उसके बाद में मेरे लाइफ में आया बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फाड़ू, सबको पीछे करने वाला मेरे नज़रों के सामने है OnePlus 5। हैव अ लुक यार, कितना मस्त है यार। बैक साइड देखिए, ड्यूअल कैमरा, मैं तो फिदा हो गया। मैं बोला यार ऐसे टाइम पे अभी ड्यूअल कैमरा का अभी क्रेज चल रहा है, क्यों ना मैं भी ड्यूअल कैमरा लूँ। और पोर्ट्रेट मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको DSLR जैसे फोटोज आपको पोर्ट्रेट मोड पे देता है। तो मुझे लगा कि यार एक तो फोटोशूट हो जाएगा उससे पोर्ट्रेट मोड पे, और उसकी कैमरा क्वालिटी यार, उससे पहले OnePlus 5 से पहले मैंने सोचा था कि मैं S8 लूँ, मगर प्राइस ज़्यादा होने की वजह से नहीं लिया। फिर उसके बाद में मैंने सोचा क्यों ना iPhone लूँ, उससे थोड़ा सस्ता था, बट iPhone मेरे समझ में नहीं आता। मुझे सैमसंग समझ में आता है, मुझे एंड्रॉयड फ़ोन समझ में आता है, इसलिए मैं एंड्रॉयड मैंने सर्च किया। उसके बाद मुझे OnePlus मिला। तो OnePlus के बारे में मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि यार मैं कितना खुश हूँ OnePlus लेने के बाद। तो हैव ए लुक, आप इसका अनबॉक्सिंग देखिए, इसके साथ में क्या क्या एक्सेसरीज मिलता है वो देखिए, उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास। देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है, क्या क्या मिला है बॉक्स के अंदर, देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमें मोबाइल मिला, एकदम बढ़िया, देख सकते हैं। तो ये है OnePlus 5 ड्यूअल कैमरा। मुझे तो ये फ़ोन बहुत काफ़ी बढ़िया लगा, लाइट वेट है, स्लिम है। देखते हैं फ़ोन के साथ में और क्या क्या मिला है। तो गाइस यहाँ पे मुझे मिलता है, ये आप देख सकते हैं, ये क्विक स्टार्ट गाइड, और इसके साथ में हम सिम कार्ड निकालने के लिए ये पिन यूज़ करते हैं, ये भी हमें मिलता है बॉक्स के साथ। और यहाँ पे वाइड एंगल में फ़ोटोज़ देख सकते हैं, इस तरीके से फ़ोटोज़ आते हैं। और ये है डस्ट चार्जर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इससे अगर चार्ज करेंगे तो फास्टली चार्ज होगा और 1 आवर में आपको 100% चार्ज देगा, और उस 100% चार्ज को आप 12 घंटा आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये जो पावर सप्लाई यूनिट है ये एकदम बेस्ट है। और उसी के साथ साथ हमें मिलता है ये वायर USB, ये लगभग 1 मीटर तक है। एक चीज़ जो मुझे बुरी लगी, मोबाइल के साथ में हमें एयरफोन नहीं मिलता है, वो एक चीज़ मुझे ख़राब लगी, उसे अलग से बाय करना पड़ेगा। और पता नहीं कौन सी कंपनी कैसे एयरफोन बनाएगी, अगर OnePlus 5 एयरफोन भी अगर प्रोवाइड करता तो हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं मोबाइल के बारे में, और मोबाइल जो मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ऐसे तो मोबाइल काफ़ी अच्छा है, फिर भी मैं वो चीज़ बताऊँगा जो मुझे अच्छी लगी। इसका जो सेंसर है एकदम फटाक से काम करता है टच, और इसकी जो टच की क्वालिटी है एकदम स्मूथ है। मैं पूरा फिंगर नहीं लगा रहा हूँ, हल्का सा लगा रहा हूँ तो भी ये काम कर रहा है आसानी से। इसका जो बैक बटन है, बैक बटन आपको यहाँ पे मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, आप बैक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। यूजुअली ज़ारा फ़ोन राइट हैंड साइड पे बैक होता है, बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बैक मिल रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑल टैब जो हम लोग क्लोज करते हैं उसके लिए यहाँ पे ये है शॉर्टकट है ना, आपको कोई बटन क्लिक नहीं करना है, आपको खाली ड्रॉ करना है, जो आपने स्पेलिंग आपने रखा है वही आपको ड्रॉ करना है। और भी बहुत सारे इसके अंदर फंक्शन है, तो एक फंक्शन ऐसा है कि अगर आपको कॉल आ रहा है और आपको कॉल नहीं उठाना है, आपको साइलेंट करना है, तो मोबाइल को सिर्फ डाउन कर दीजिए, स्क्रीन डाउन कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगा। हम स्क्रीन को डाउन करने से आपका कॉल कट नहीं होगा, पहली चीज़ कट नहीं होगा, सिर्फ साइलेंट हो जाएगा। फ्रंट कैमरा जो दिया हुआ है वो 16 मेगापिक्सल, और सेकंड जो ड्यूअल कैमरा है इसमें एक है 20 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल। बात रही इसकी स्क्रीनशॉट की,
तो आप यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम कम करने वाले बटन को अगर एक साथ दबाएंगे तो स्क्रीनशॉट लेता है। और इसके अलावा इसके अंदर है स्क्रीनशॉट लेने के तरीके, इस तीन फिंगर से आप इसके स्क्रीन पे अगर ऐसा करेंगे तो भी एक स्क्रीनशॉट हो जाता है। ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कैमरा में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। और ये है टॉर्च लाइट, देखते हैं इसका पावर कैसा है। लगभग ठीक है। मेरे फ़ोन में जो स्टोरेज है वो है 128 GB स्टोरेज और 8 GB रैम। यही फ़ोन वन प्लस 5 में आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज जो आपको मिलेंगे वो आपको मिलेगा 32,990 रुपीज़। और जो ये 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज ये फ़ोन आपको मिलेंगे 37,990 रुपीज़। मैं कैमरा क्वालिटी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। Thank you.